नमस्कार, मैं हूँ आशीष दत्त। 30 दिन में कमोडिटीज को ट्रेडिंग को कैसे मास्टर करें, ये हम बात करेंगे। देखिए, कमोडिटीज बहुत किस्म की होती हैं, इसलिए आज मैं शुरू करूँगा एग्री कमोडिटीज से, मतलब जो एग्रीकल्चर के बेस पे कमोडिटीज़ हैं। तो देखिए, हमारे पास दो किस्म की कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं। एक वो कमोडिटी हैं जो लोकल मार्केट से आती हैं। लोकल मार्केट से अगर आप कमोडिटी देखें तो गुआर गम है, मेंथा ऑयल है, कार्डमम है, ये लोकल कैस्टर ऑयल है, ये लोकल मार्केट की कमोडिटी है। मैं इसके बारे में बात करूँगा और इसकी ट्रेडिंग में आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि इसकी ट्रेडिंग बहुत अलग है जो ग्लोबल कमोडिटीज़ के साथ है। ग्लोबल कमोडिटीज़ में आपको क्रूड पाम ऑयल मिलता है, इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं। उसमें क्या है कि वो प्राइस थोड़ी इंटरनेशनल बेसिस पे सेट होती है, तो उसमें कॉटन है आपका, क्योंकि उसका इंटरनेशनल मार्केट भी है तो उनकी प्राइसेस, और सोयाबीन है उसका मार्केट थोड़ा सा अलग है। पहले हम बात करते हैं जो कमोडिटीज़ जिसमें इंडिया में ही जो है ज़्यादातर इसकी ट्रेडिंग होती है, जैसे कमोडिटीज़ हो गया आपका कार्डमम हो गया, ये अपना ये कार्डमम तो सबसे पहले था, मेंथा ऑयल है आपका, गुआर गम गुआर सीड है। इसमें क्या है, देखिए स्पेक्यूलेटिव एलिमेंट बहुत बड़ा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए ये थोड़े से ओपेक मार्केट्स हैं, ज़्यादातर जो मंडी में रेट्स होते हैं ये रेट बायर और सेलर के बीच में जो मार्केट में मतलब फिजिकली भी इन्वॉल्व हैं, मिडल मैन है जो भी हैं वो सेट करते हैं, तो कभी कभी उनको ही समझ आता है कि ये MCX में या NCDX में क्या ट्रेड डालें। ऐसा ये चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी ट्रेडर आ नहीं रहे, मगर अभी भी क्या है, एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन एलिमेंट हो सकता है। तो कभी कभी आप देख रहे हो कार्डमम को, आप जाके ग्लोबल सप्लाई डिमांड देखते हो, मतलब इलायची में कि जो है मार्केट में सप्लाई इतना है, डिमांड इतना है, मगर आप MCA और आप सोचते हो प्राइस गिरेगी, मगर MCX में आप देखते हो प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रही है। ये क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा है क्योंकि जब प्लेयर कम हों और प्लेयर एक जगह के हों या एक दूसरे को जानते हों या कार्टेल हो, तो वो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कार्डमम में, किसी एग्री कमोडिटीज़ में भी, गुआर गम और गुआर सीड में भी आपने नोटिस किया होगा, गुआर सीड जो है कभी 4,000 की होती है, कभी 20,000 की हो जाती है, गुआर गम कभी 12,000 की होती है और कभी 1,00,000 की बिकती है, मेंथा ऑयल कभी 900 का होता है, कभी 1,400 का होता है। तो यहाँ दो चीज़ याद रखिएगा, आप जब फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें बहुत जल्दी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस यहाँ बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा स्टॉप लॉस ऐसे, क्योंकि एक एक दिन में कभी कभी 400-500 रुपये की ट्रेड हो जाती है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या होता है, जैसे सेटलमेंट पास आने लगती है, अगर एक कार्टेल हो तो वो क्या करते हैं, आपने आप शॉर्ट थे तो अब आपको सेटलमेंट के पहले ख़रीदना है, ये बेचते ही नहीं है, तो ये बेचेंगे नहीं तो आप खरीदोगे कहाँ से। तो आप शॉर्ट हुए जैसे 900 रुपये पे मेंथा ऑयल में, इन्होंने जो है आपको फिर से ख़रीदना है, आपको 1200 पे भी स्टॉक नहीं मिलता है क्योंकि ये बेचते ही नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा कि जो लोकल कमोडिटीज़ हैं इसमें स्पेकुलेशन ज़्यादा है, और अगर आप ट्रेडर हैं तो किसी भी पोजीशन में फंस सकते हैं। मगर हाँ, एक यहाँ पर सबसे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी ये है, आप ये लेके चलना, मंडी के रेट से हमेशा कंपेयर करना, और देखिए एक कीमत पे फार्मर जो है या प्रोसेसर स्टॉक बंद कर देता है उसको बनाना, गुआर गम एक कीमत के बिलो जो है कोई फ़ायदा नहीं है फार्मर को लगाने का, और दूसरा प्रोसेसर को कोई फ़ायदा नहीं है गुआर गम बनाने का। एक प्राइस ऐसी आ जाती है कि इलायची की कीमत इतनी हो गई है कि लोग कहते हैं जी आपको मैं 2,000 की इलायची तो खरीदूंगा नहीं, या अगर इतनी कीमत गिर गई है कि जो फार्मर है वो कहता है 600 रुपये पर इलायची, तो मतलब इतना तो मेरा कॉस्ट ही निकल रहा है, मेंथॉल में भी वो है। तो अगर कॉस्ट के नीचे आने लगे वो सबसे सेफ टाइम है स्पेक्यूलेटिव एग्री कमोडिटी करने के लिए। जो ग्लोबल कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस ग्लोबल होती हैं, मैं और इसकी चर्चा करूँगा कि क्या क्या इम्पैक्ट की वजह से एग्री कमोडिटीज़ मूव करती हैं। आज के लिए इतना ही, मैं हूँ आशुदा।